दोस्तों इस शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है एक फिल्म जिसका टाइटल है मुरारी द मैड जेंटलमैन और आज इस फिल्म की पूरी टीम हमारे स्टूडियो में है तो लेट्स वेलकम द एक्टर्स असरानी साहब किरण शरद एंड नटालिया द डायरेक्टर सुजाद इकबाल खान एंड फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर डैलिस बेस्ड फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर किशोर एन पटेल वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस असरानी जी आपसे शुरू करना चाहूंगा सालों पहले आपने एक फिल्म की थी जिसका टाइटल था चला मुरारी हीरो बनने करेक्ट और अब इतने सालों बाद वापस एक मुरारी वाली फिल्म वॉज दैट द रीजन यू साइन दिस फिल्म टाइटल वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड सब्जेक्ट वॉज बहुत ही अलग है अनू, अनूठा है बहुत अजीब mm -hmm. सा सब्जेक्ट है mm -hmm. uh, एंड एक, एक छोटा सा गांव है mm -hmm. फूलपरास अच्छा बिहार में हाँ हाँ। और वहाँ पे बड़े अनपढ़ लोग गंवार से अंधविश्वासी अच्छा कूप मंडू अपनी, अपनी अपनी, दुनिया, दुनिया में, में। दुनिया में, में रहने वाले उनको लगा इस बाहर को दुनिया है ही नहीं कुएं का मेंढक जिसे जिसको कहते हैं है। कूप मंडू जिसको बोलते हैं करेक्ट वहाँ पर ये एक मोराली नाम का जो लड़का है इसको लोग सब पागल समझते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा अजीब सा कुछ है और और उसको देख के लोग भाग भी जाते हैं पता नहीं बोले कौन है फिर आ गया ये कुछ बोलता रहेगा कुछ कर कर तो गांव का एक अजीब सा माहौल है मगर इसका असली रूप क्या है ये किसी को पता नहीं चलता जब ये लड़की आती है नतालिया उसका नतालिया। नाम है जैनी फिल्म में ये आती है और धीरे धीरे भेद खुलता है कि आदमी है कौन चक्कर क्या है और फिर जो मैसेज निकलता है वो बहुत अजीब सा है बहुत वंडरफुल मैसेज है जिस जगह पर हमने शूटिंग की बड़ी ऐतिहासिक जगह कुमार जी बाडोली में गुजरात सूरत सूरत के पास जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कर आंदोलन शुरू किया था और दांडी मार्च, मार्च जो 22 किलोमीटर वहाँ से दूर है ओके, और ओके। वहाँ पे मुझे लगा कि बड़ी ऐतिहासिक जगह और ये माहौल बड़ा अच्छा था और एक ऐसा प्रोड्यूसर जो अमेरिका से आए डैलस से और अपने गांव में मोटी फलक गांव का है नाम मो, मोटी फलक ना, मोटी फलक, फलक मोटी फलक, फलक अच्छा। एक्चुअल लोकेशन बता रहे हैं बिहार का तो मुझे लगा है ये किस तरह का प्रेम है इनको किस तरह का फिल्म बनाना चाह रहे हैं exactly. और डेलस से आए हैं साथ में एक और पार्टनर इनके सुनील पटेल भी हैं किशोर भाई आपसे जानना चाहूंगा कि डेलस से यहाँ पर फिल्मों का प्यार या

from the same team and i had uh, like good experience working with them mm. and they were so cooperative and never had no problem but film financial involvement with her? and No. financially Madam. you're backing this is your first film yeah this is my first film that's very interesting and how did the, the two ladies come into this film i've tried here as a model okay and then i've got an auditions for the movies okay uh, i remember my first audition for this movie uh -huh. it's really touched me uh -huh. like i had a competition but i was feeling there is something of my soul like some piece of that okay. i felt it you know when you heard the story when i heard the story i had the tears in my eyes when i heard the story first time oh.

Uh, इस फिल्म का हिस्सा कैसे बनी एक्चुअली मैं मीटिंग के लिए गई थी सर से मुलाकात हुई और मोहिनी mm -hmm. का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये mm -hmm. uh, जैसे mm -hmm. कि सटार कॉमेडी ये मूवी है mm -hmm. बट मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है गाँव की गोरी है बट वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है mm -hmm. ना कि कपड़ों से बट यू नो बॉडी हाँ बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन से, uh, से. Mm -hmm. और मुखिया जी के बेटे के साथ उसका अफेयर चलता है mm -hmm. मुखिया जी का बेटा बहुत ही सिंपल सादा सा लड़का अच्छा। जिससे मैं यू नो ट्राई करती हूँ कि प्यार करो और फिर उसके साथ शादी ऐसा एक सो सोशल मैसेज जो है इस मूवी में बट मेरा बहुत ही कैरे बहुत अलग है गांव की गोरी हूँ मैं हुँ। इन सब लोगों से वैसे कि आ, मुरारी से वैसे तो कुछ आ, ये नहीं है बट हमारा एक लव ट्रैक कुछ अलग ही चलता हुँ। है उस दौरान हम इनसे मिलते हैं सबसे बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने किया है क्या बात है सुजात भाई ये आइडिया कहाँ से मिली आपको मुरारी बेसिकली हाँ. हमारे राइटर हैं सागरनाथ झा और अविनाश सिंह चिब एक आईडिया आया हमने एक प्ले डिजाइन किया था एक गुदरा यस स्टेज प्ले इन बिहार इन यूपी इन दिल्ली इन मुंबई तो उस प्ले में हम लोग सिर्फ कॉमेडी करते थे बिकॉज़ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्ले तो क्योंकि डायलॉग ओरिएंटेड कॉमेडी फिर uh, यूं ही जब सागर से बात हो रही थी तो हम दलोजी में थे मॉनसून के शूटिंग के दौरान हुँ. तो किशोर नाना जी वहाँ आए हुए थे मैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बीबो के साथ तो वहाँ पे नाना ने कहा कि यार मुझे फिल्म बनानी है तो कोई स्टोरी सुना दीजिए तो सागर जाद, जा सागर जी ने नाना को स्टोरी सुनाई पसंद आ गई उनको अब स्टोरी तो कॉमेडी थी तो मेरा जो जॉनर है वो थोड़ा कॉमेडी तो है जो कमर्शलाइज हम लोग ऑडियंस के लिए बनाते हैं तो इसमें एक इमोशंस जोड़ने के लिए हमने एक सब्जेक्ट चुना मुरारी के कैरेक्टर को हमने एक इमोशनल ट्रैक दे दिया तो फिर असरानी सर आए फिर जैसे जैसे सब पूरी टीम जुड़ती गई इतना इजीली काम हुआ सर के साथ भी और हमारे साथ भी कि फुल ऑन मतलब एक इतनी अच्छी फिल्म बन चुकी है कि मतलब जब थिएटर्स में आएगी तो ऑडियंस डेफिनेटली पसंद अस्थानी साहब आप मेरे ख्याल से सबसे एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर कास्ट मेंबर होंगे इस फिल्म में बिल्कुल नहीं बल्कि मुझे लगा मैं भी न्यू कमर हूँ अरे वाह हाँ जिस तरह का माहौल बन गया था हुँ, हुँ, हुँ. और जिस तरह के एक्टरों से मैंने सामना किया तो मुझे लगा कि इनको मैच करना पड़ेगा जैसे पंडित का एक कैरेक्टर है हुँ. वो कुछ तो ऐसे बोलते थे कि मुझे मैच करना पड़ा जैसे मुरारी है? ये बिल्कुल मुझे लगा कि ये तो वेटरन संजीव कुमार की याद आ गई मुझे कई बार अर्छा. जिस तरह का वो परफॉर्मेंस कर रहे थे मुझे मैच करना पड़ा तो आई वॉज ऑल्सो न्यू कमर ऐसा लगा कि मैं भी जल्दी निकलो से भाई तो किशोर भाई आप जब फिल्म शूट हो रही थी आप इनके साथ यूनिट के साथ बारडोली में थे या फिर आप डाल से सिर्फ बैंक अकाउंट्स चेक करके चेक्स भेज रहे थे पैसे भेज रहे थे मनी ट्रांसफर हो रहा था आई वाज देर फ्रॉम बिगेनिंग टू एंड तक और हर एक हर एक का टाइम टेबल है उसके साथ चलता था और दिन 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 वैसे 22 का का था था डेज में लेकिन हमने 18-20 में खत्म कर दिया oh. तो वे वेरी नाइस टीम so -on on you, sir, huh? yes. <laughs> भाई को मैं so hmm. exactly. प्रोड्यूसर बोलता मैंने पैसे दे दिए तुम जानो बट उसमें एवरीबडी वॉज कॉन्शियस एक आदमी की तो गड़बड़ नहीं कर सकते mm. जहां थोड़ा किसी ने टेंपर, एक्टरों में अकेडमी भयंकर थी टेम्पर लूज कर दिया तो ये आके बीच में कूल 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 आई नो इन्होंने लगा मैं कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स काम कर रहा हूँ <laughs> 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 And like you know, like money is not matter. Like mm -hmm. uh, even my friends Sunil Patel, Jignesh Shah, they always with me. Mm -hmm. uh, even, even any kind of times he will be with us. I mean okay. you know they are all they are good friend of mine, mm -hmm. and I'm gonna go further on this stage. What when is I, the most interesting part of Bollywood? Well, Glamour. you get active first of all okay. because you know I, I like I like to work. Okay, mm -hmm. I don't want to be you know if I sit down I like to sleep. Mm -hmm. so I want to be active and the mm -hmm. Bollywood is the stage. Constantly I mean it's a constant. Yes. Mm -hmm. Yes. Constantly. Yeah, constantly. And uh, same thing in construction, okay, where I am yeah. doing right now. Mm -hmm. Same thing in construction, you know, like you have to be active. And if I don't get active, you know, I get बड़ा हो जाता। एक बिल्डिंग बनाए, वापस आए, फिल्म बनाए, वापस दूसरी बिल्डिंग बनाए, फिर आए, फिर बिल्डिंग बनाए, तो इस लाइक आए उधर five project in uh, USA, right. and I came here, go back, come here, go back, and you know, six months, I six Exactly. Uh -huh. And Natalia, now that you've acted uh, in a Bollywood film, so in a manner of speaking, mm -hmm. tasted blood. So, <laughs> what Bollywood is uh, for you now? Do you think it's for you? For the next few years, for sure. Okay. I like the experience. Okay. And actually, I think it's the most because of the team. And Hindi, how do you speak No. Then, what do you do?

पहले दिन होता था और नेक्स्ट डे अच्छा, इसका शूट होता था बहुत कम काम नहीं किया नहीं हुआ है बट नताले के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज इसका नेचर बहुत कामली सारी चीज़ें कर लेती है और जैसे कि हमारे सुजात सर भी है कि सेट पे कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि डायरेक्टर कहाँ बैठे बिकॉज आवाज़ थी ही नहीं

एक्चुअली uh, मैंने रक्त चरित्र में कुछ पार्ट मैंने किया था रामू जी के साथ राम जी जी और uh, मैं बेसिकली पहले डीओपी था मैन काम किया हूँ mm -hmm. काफी सारी मैंने पंजाब की कई सारे वीडियो एल्बम्स किएक्टर uh, okay. फिर टू uh, थाउजेंड फोर्टीन में महेंद्र धारीवाल जी ने मुझे लॉन्च किया विध फिल्म मानसून Uh, oskabad uh, I, I did uh, murari hmm. and now i'm doing uh, one film father khud se. so what do you enjoy the maximum uh... both sir when if, if it's my script and uh, if, if i have to direct i enjoy a lot

और उसको चिंता है कि गांव में ये सब जो हो रहा है तो सुलझाए कैसे जाए और हर आदमी मुखिया के पास आता है अपनी प्रॉब्लम ले लेके जो लेके मगर जब मुरारी को मिलता है तो उसको लगता है ये तो मेरा भी बाप आ गया कोई <laughs> और उसको कैसे मुरारी का चरित्र हावी हो जाता है मुखिया तीन चार बार उसको देख के बेहोशी हो जाता है बेहोशी हो जाता है क्या करें क्या मगर एंड में जब उसको मानू पड़ता है कि ये सब इसकी हरकतें क्यों थी एक तो, रीज़न था एक रीज़न था जो उस लड़की के जैनी के आने से मालूम पड़ गया गांव में बदलाव आया और वहां पे ये मुखिया भी एक बार उसको लग गया कि मैं रॉन्ग था और ये आदमी करेक्ट है इसने गांव को जो बदला दिया उसको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कैरेक्टर चेंज होता है तो बहुत अहम कैरेक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट असानी जी अभी जब फिल्म ऑफर होती है आप क्या देखते हैं अपना लेंथ ऑफ रोल देखते हैं या टोटालिटी में कहानी कैसी है या रिलिवेंस ऑफ द कैरेक्टर क्या देखते हैं नहीं एक्चुअली पहले तो सेटअप डायरेक्टर कौन है आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट यू सी आई एब वेरी लकी जब से मैंने करियर अपना शुरू किया hmm. गुड्डी फिल्म से hmm. तो ऋषिकेश मुखर्जी साहब से शुरू किया hmm. तो उसके बाद गुलजार okay. फिर गुलजार साहब आए फिर बी आर चोपड़ा सा फिर साउथ के विश्वनाथन अपने वैश्री नारायण राव राघवेंद्र राव यहाँ के शक्ति सामंत मनोज कुमार एलवी प्रसाद रमेश तो वो टेस्ट ऐसा हो तो पहले तो डायरेक्टर और उस वक्त सबसे पहले क्या था डायरेक्टर इतने बड़े डायरेक्टर आपको कभी पैसा देते नहीं थे पैसा नहीं तो पैसे के पीछे भागना बड़ा मुश्किल था आपको रोल दे दिया बहुत बड़ी बात है <laughs> बहुत बड़ी बात से पेट भी भर लीजिए उससे भर लीजिए जैसे मुझे आपको एक बार बताया भी था गुड्डी में जब पहला मैंने तीन दिन काम किया था मैंने तो ऋषिकेश मुखर्जी से बोलते हैं तुम किधर से आया पूना से मैंने कहा hmm. जी साहब क्या किराया है ट्रेन का मैंने कहा छः रुपये छियाने नहीं नहीं फर्स्ट क्लास मैं बोला फर्स्ट क्लास तो ट्रेवल नहीं किया <laughs> नहीं तीन चार साल स्ट्रगल चलती रही तो प्रोडक्शन वाले उन्होंने बोला कि भाई क्या किराया बोले ट्वेंटी वन रुपीज़ hmm. ट्वेंटी डेक एंड क्वीन एनी वह फिर खत्म हुआ तो मुझे लिफाफा दे दिया मैंने खोला भी नहीं जब ट्रेन चल पड़ी तो पूरा खोला तो ढाई सौ रुपये ढाई सौ रुपए बहुत है यार hmm. <laughs> कि, 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 किसी को दो रुपए नहीं टीम में राइटर्स चार चार तीन चार चार होते थे नरेंद्र सिंह बेदी डॉक्टर राई गुलजार गुलजारी और डी एन मुखर्जी मुखर्जी तो ये निबंधु घोष तो दूसरा राइटर थर्ड जब आपको डायरेक्टर अच्छा है और राइटर अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा कैरेक्टर देंगे देंगे दे ऑलवेज गिव मी गुड कैरेक्टर हरिवृज प्रसाद जी जैसे लोग दे ऑलवेज हैव अ वेरी टीम ऑफ राइटर्स आई डोंट नो whether to praise your luck or your talent because टैलेंटेड है शायद इसलिए आपको इतने अच्छे किरदार मिले एंड लकी है इसलिए भी मिले होंगे मैं आज वेरी लकी बिकॉज़ कई बार आपको पता नहीं होता है कि आप कर क्या सकते हैं

कई बार हमको खुद मालूम मैं सोचता था घर जाके इनको कैसे मालूम पड़ा कि मैं कर सकता हूँ सो दैट्स हाउ इनर ग्रोथ होती एज एन एक्टर मुझे इन लोगों ने एक्चुअली ग्रोथ होते होते पर ऐसा हुआ सो आई पर्सनली फील डायरेक्टर एंड राइटर्स राइटर वेरी इंपॉर्टेंट चाहे मुझे दो दिन का काम हो बट hmm, hmm, hmm. उनको मालूम है कि मुझे ये कर सकता है तो अच्छा इन्होंने एंड में कैसे दे दिया कि ये आदमी कर